हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स सॉलिडवर्क्स ट्यूटोरियल सीरीज। सो आज फ्रेंड्स हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे सॉलिडवर्क्स के अंदर, जिसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास इस तरह से आएगा। ओके, सो इसे हम अलग अलग व्यूज में भी देख सकते हैं। टॉप व्यू से इस तरह से दिखेगा और हमारे पास फ्रंट व्यू से इस तरह से दिखेगा, साइड व्यू से देखना चाहते हैं इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सो इस तरह से आप अलग अलग व्यूज से इसे देख सकते हैं। सो आइए इसे डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। यहां से मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एन करूंगा तो हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। पार्ट मॉडलिंग में हम चले जाएंगे तो हमारे पास न्यू वर्कस्पेस ओपन हो जाएगा। कोई प्लेन स्टार्ट कर लेते हैं, हम स्केचिंग ऑन कर लेंगे, ड्राइंग को थोड़ा बहुत रीड कर लेंगे। हमारे पास ड्राइंग में क्या दे रखा है देखिए, ये हमारे पास टॉप व्यू है, ये हमारे पास फ्रंट व्यू और ये हमारे पास साइड व्यू और ये हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू है। सो टॉप व्यू में हमें ये वाली डायमेंशन दे रखी है। सो हमें ये स्केच बनाने के बाद साइड व्यू से हमें इसे इस तरह से एक्सट्रूड करना है। तो सबसे पहले हमें ये स्केच बनाना है। हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं, दो सर्कल दे रखे हैं 50 का और एक 32 का सर्कल दे रखे हैं। देन स्केचेस बना लेंगे और उनके डायमेंशन दे रखी है यहाँ से 70, 90, 150। स्लॉट की हाइट दे रखी है 10 mm और यहाँ से यहाँ तक की स्लॉट की हाइट दे रखी है 25 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 mm दे रखा है। सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमें 60 दे रखा है। तो इस तरह से हम ये स्केच बना लेंगे और उसके बाद ये वाला स्केच क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास न्यू विंडो ओपन है तो दो सर्कल लगा लेते हैं सबसे पहले। तो दोनों की डायमेंशन क्या है हमारे पास, एक हमारे पास है 50 mm का डाया और सेकंड वन इज हमारे पास 32 का डाया। ओके, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ से एक लाइन स्टार्ट होती है तो ये स्केच बना लेते हैं हम और उसके बाद उसकी डायमेंशन हम चेक कर लेंगे। सो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना था 25 और सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 60। सो आप देख सकते हैं जैसे जैसे मैं डायमेंशन देता जा रहा हूं ये स्केच जो अपने आप एडजस्ट होता जा रहा है और अभी अंडर डिफाइन दिखाई दे रहा है तो जैसे जैसे मैं इसे डिफाइन करता जाऊंगा यहाँ पे फुली डिफाइंड भी आता जाएगा। और इसके बाद हमारे पास यहां तक का डिस्टेंस कितना था 10 mm था। सो ये भी डिस्टेंस हमने दे दिया, सॉरी 1 mm आगे से एडिट कर सकते हो डबल क्लिक करके, यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए आप 10। ओके, सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। देन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, सो देखिए डिफॉल्ट हमारे पास 10 आ रहा है तो ये ओवर डिफाइंड है, इट मीन्स हम यहाँ से वैल्यू बिल्कुल सही दे रहे हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास सेंटर से वैल्यू आ रही है तो सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है 70 तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 35 और हमारे पास एंड टू एंड डिस्टेंस कितना दे रखा है 150 और ये वाला जो स्लॉट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है 90 तो हाफ कितना हो जाएगा 75 और 45। तो यहाँ से हम डिस्टेंस चेक कर लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास 45 और एंड तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 75 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे पास अभी भी अंडर डिफाइंड है बिकॉज यहां से अभी हम एक सेंटर लाइन ले लेंगे और इसे मैं एक्सटेंड कर दूंगा अभी। तो आप देख सकते हैं यहां से जैसे मैंने इसको यहां तक एक्सटेंड किया ये फुली डिफाइंड हो गया। ओके, यहां तो मैं इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकता था, यहां मैं इसे सेंटर तक कोइंसिडेंट कर देता। ठीक है, तो अभी ये सेंटर लाइन से बिल्कुल ही कोइंसिडेंट हो गया तो यहाँ पे स्केच क्या आ रहा है मेरा फुली डिफाइंड। ओके, देन अब इसे हम क्या कर लेंगे, मिरर कर लेंगे, पर उससे पहले हमें फिलेट्स भी लगानी है। तो फिलेट्स देख लेते हैं हमें कहाँ कहाँ पे लगानी है। एक तो मेरे पास 3 mm की यहाँ पे है और 12 mm की यहाँ पे और 6 mm की यहाँ पे है। सो ये तीन फिलेट लगा लूंगा यहाँ पे। सो फर्स्ट फिलेट आ रही है मेरी 3 mm की इस कॉर्नर पे। ओके, देन 12 mm की आ रही है इस कॉर्नर पे। ओके कर देंगे। सो यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6 mm की आ जाएगी। ओके कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे भी हमारे पास फिलेट है, ये है हमारे पास 3 mm की फिलेट तो यहाँ पे भी हम फिलेट लगा लेंगे 3 mm की।
ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिलेट्स भी आ चुकी हैं। अब इसे मिरर कर देंगे। सो मिरर के लिए हमें ये एंटिटी सिलेक्ट करनी है। सो जो नहीं सिलेक्ट होंगे उसे भी सिलेक्ट कर लेंगे आप। और किसके अबाउट करना है आपको, सेंटर लाइन के अबाउट करना है। और ओके कर दीजिए, आपके पास प्रीव्यू भी दिखाई दे रहा है। इस तरह से आपके पास ये स्केच कंप्लीट हो जाएगा। क्लोज करके देखेंगे तो इस तरह से आपके पास ये स्केच दिखाई देगा। और इसे अगर दोबारा आप एडिट करना चाहते हैं तो इसी स्केच को राइट क्लिक करेंगे और एडिट पे चले जाएंगे, तो इस तरह से आपका स्केच एडिट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारे पास ये स्केच आ रहा है, तो इस प्रोफाइल को बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या डायमेंशन दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 38 डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का 40 mm डिस्टेंस है। ओके, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 90, और ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, 138। ओके, सो यहाँ पे हम इस प्रोफाइल को बना लेते हैं। यहाँ से मैं लाइन सिलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे रफली, और उसके बाद हम इसे डायमेंशन दे देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था मेरे पास, 138। तो 138 का हाफ कितना करना है, आप यहाँ पे फॉर्मूलाज भी लिख सकते हैं, तो आपकी वैल्यूज जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इसका प्लस पॉइंट ये है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, 90 था, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ले लेता हूँ, हाफ कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो जो वैल्यू मेरे पास इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी उसकी वैल्यू मैं एज इट इज लिख सकता हूँ। जिस वैल्यू को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, मान लीजिए आपने डबल करना है, हाफ करना है उसकी वैल्यू को, तो आप उसमें फॉर्मूलाज भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी डायमेंशन के अंदर ही। ओके, अब हमारे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 40 है। सो ये भी डायमेंशन ले लेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 40, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने लिया हुआ है, ये आ जाएगा हमारे पास 38। सो आप देख सकते हैं जैसे मैंने सारी वैल्यू डिफाइन कर दी है, तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास फुली डिफाइन दिखाई दे रहा है। और इसका रिजल्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि मेरा स्केच जो है वो पूरा ब्लैक आ रहा है, तो इट मीन्स वो फुली डिफाइंड है। ओके, जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी बता रखा है। सो इसमें यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान देने वाली है, अगर आपने यहाँ पे ये सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये अंडर डिफाइन चला जाएगा। ये वाला जो स्केच है इसको भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसे आप डिलीट मत ही करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो इस तरह से आपके पास सारा स्केच जो है वो फुली डिफाइंड हो जाएगा। देन इसमें देख लेते हैं अभी और हमने क्या बनाना है। देखिए यहाँ पे आर 10 आ रहा है, रेडियस आ रहा है 10 mm का, यहाँ पे 5 mm का रेडियस आ रहा है, यहाँ पे 12 mm का रेडियस। तो ये तीनों रेडियस लगाने के बाद इसे मिरर कर देंगे और ये लाइन को ज्वाइन कर देंगे। सो फिलेट लगा लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 12 mm का फिलेट आ रहा है, तो वैल्यू दे देंगे यहाँ पे 12, और कॉर्नर को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर दीजिए। देन इसके बाद आ रहा है हमारे पास 10 mm का, सो कॉर्नर को सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। देन 5 mm का आ रहा है, तो 5 mm सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एजिस को सिलेक्ट करना है, ओके कर दीजिए, और आपके पास ये प्रोफाइल आ जाएगी। देन देखिए आपके पास ये वाली जो लाइन है वो रिमूव हो गई है, तो आप इसको इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं जो सारा स्केच है मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये अंडर डिफाइंड हो गया ना, तो मुझे इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ रही है, 24 आ रही है, इसको भी डिफाइन कर दिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को भी मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो 1 mm आ रहा है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं फुली डिफाइंड हो गया अगेन। तो इसको जरूरत नहीं है अभी, थोड़ा बहुत आपका अंडर डिफाइंड भी चलेगा, बट ऑलमोस्ट आपका 90% जो रिजल्ट है वो फुली डिफाइंड ही होना चाहिए, ठीक है। अभी हम इसे मिरर कर लेते हैं, तो कौन कौन से स्केचेस आ रहे हैं, ये स्केच आ रहा है, ये स्केच आ रहा है, ओके। देन मिरर अबाउट, सेंटर लाइन सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, और इन लाइंस को ज्वाइन कर देंगे।
सो आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ दो ही स्केचेज हैं, आप इनको भी अगर डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे फुली डिफाइंड आएगा, अदरवाइज आप इनको ऐसे भी रहने देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो मेरे पास ऑलमोस्ट सारा स्केच कंप्लीट हो चुका है, सो इसे क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास ये सारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। देन इसे आप एक्सट्रूड करेंगे, सिलेक्ट किया, कंटूर कौन कौन से आ रहे हैं अभी वो देख लेते हैं। देखिए हमारे पास इस तरह की प्रोफाइल आ रही है, तो जो मेरे पास दो सर्कल है उनकी हाइट यहाँ पे दे रखी है 45 mm, उसे एक्सट्रूड करना है। और ये वाली जो प्लेट आ रही है मेरे पास, इसे कितना mm एक्सट्रूड करना है, 35 mm एक्सट्रूड करना है। सो इन दोनों प्लेट्स को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये प्लेट आ रही है, सो इसे मैं मिड प्लेन से नहीं करूंगा, ब्लाइंड ही रहने देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वन डायरेक्शन में जा रहा है सारा स्केच, तो इसे वन डायरेक्शन में ही रहने दीजिए। तो इस तरह से मेरे पास ये स्केच हो गया। देन आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो सेम स्केच को यूज करके आप एक्सट्रूड कर सकते हैं अगेन। सो मेरे पास ये सर्कल आ गया, सो इसे कितना करना है, 45 mm करना है। देन मेरे पास 45 आ जाएगा। इसके बाद अगेन सेम स्केच को यूज करेंगे और ये वाला पोर्शन मेरे पास आ रहा है, इसे हमें कितना एक्सट्रूड करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है 10 mm, सो इसे 10 mm एक्सट्रूड करेंगे। और इस तरह से आपके पास ये स्केच कंप्लीट हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करना है, देखिए अब हमें ये दो प्लेट्स बनानी है जो साइड व्यू से इस तरह से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारे पास दे रखा है, एक हमारे पास सर्कल दे रखा है 38 का, और एक सर्कल हमें दे रखा है 20 का, जो सेंटर वाला जो थ्रू होल होगा यहाँ से, ये देखिए दिखाई दे रहा है सेक्शन, ये इट मीन्स थ्रू होल है यहाँ पे। सो हम एक साइड से बनाएंगे और थ्रू होल कर देंगे, या फिर इसको हम मिरर भी कर सकते हैं एक साइड से बना के। देन हमारे पास क्या है, डिस्टेंस दे रखा है 56 का, और ये वाली वैल्यू तो दे ही रखी है 10 mm की। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से बना लूंगा, रेडियस दे रखा है 25 का। आपको इस वाले फेस पे बनाना है और इसका स्केच ऑन कर दीजिए, स्केच मैंने ऑन कर दिया, और इसको आप इस तरह से नॉर्मल कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली है, आपके पास ये प्रोफाइल आ रही है, तो जो मेरे पास ये वाला होल है ये अपवर्ड साइड है, ओके, बट यहाँ पे इस साइड दिखाई दे रहा है, इट मीन साइड व्यू दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर मैं व्यू ओरिएंटेशन में चला जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे व्यूज मुश्किल ही मिलेगा। सो मैं साइड व्यू से भी चेक कर लेता हूँ मेरे पास व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ। देखिए मेरे पास अगेन वही वाला व्यू आ गया, बट इसकी रोटेशन हो गई है। ठीक है, सो फ्रेंड्स आपको चाहिए ये वाला व्यू, तो अब ये वाला व्यू किस तरह से आएगा, देखिए व्यू ओरिएंटेशन में आपके पास व्यूज तो मिले नहीं, ठीक है, मुझे ये वाला व्यू नहीं मिला। सो मुझे ये वाला व्यू लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेस प्रेस कीजिए। देखिए आपके पास एक तो ये वाले व्यूज आ रहे हैं, अब यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला व्यू नहीं मिलेगा आपको। सो आपने क्या करना है, एक आपके पास यहाँ पे व्यू आ रहा है, सो आपने इसको क्या करना है, क्लिक करना है, आपके पास यही वाला व्यू यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। सो इस तरह से आप अपने व्यू को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि आपके पास हिडन लाइंस आ रही हैं, तो इस तरह से हिडन लाइंस आएंगी, तो इस तरह से आप इस चीज को देख सकते हैं। ये देखिए, सो यहाँ पे दो सर्कल लगा लेते हैं हम। सो मेरे पास दो सर्कल आ रहे हैं यहाँ पे, एक है 38 का डाया और एक है मेरे पास 20 का डाया। ठीक है, देन डिस्टेंस क्या है हमारे पास, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, सो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 56। और उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है यहां से लेकर यहां तक का 28 और यहां से लेकर यहां तक का 33। सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है। सो आप देख सकते हैं अभी भी फुली डिफाइंड जा रहा है मेरा स्केच। देन हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे और बाद में इसे हम टेंजेंट भी कर सकते हैं, और यहां से भी हम एक लाइन लगा लेते हैं जिसका डिस्टेंस हमें सेंटर से कितना दे रखे है, 33। ओके, सो इसे बाद में हम टेंजेंट भी कर सकते हैं, लाइक मैंने कंट्रोल प्रेस किया और दोनों स्केचेस को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम टेंजेंट कर देंगे। देन अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और मेरे पास टेंजेंट आ जाएगा, ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पास ये अगेन फुली डिफाइंड हो गया। नो अभी हमारे पास क्या है,
एक लाइन क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अकॉर्डिंग मुझे फिलेट अप्लाई करनी है। फिलेट कितनी आ रही है मेरे पास, 25 mm की फिलेट आ रही है। तो यहाँ पे हम फिलेट लगा लेंगे, 25 mm की फिलेट आ रही है मेरे पास, ओके कर दीजिए। और जो एक्स्ट्रा स्केच है उसे डिलीट कर दीजिए आप। देखिए अगेन ब्लू हो गया, अंडर डिफाइंड आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हल्का सा इसको आउटवर्ड लेके चलूंगा, एक्स्ट्रा लेके चलूंगा, ताकि मेरे जो स्केच है वो कंप्लीट इसके साथ मर्ज हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये सारा स्केच कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए ये इतना पोर्शन आपके पास अंडर डिफाइंड था, ये प्रॉब्लम नहीं दे रहा। ठीक है, हाँ मैक्सिमम स्केचेस होंगे वहां पे आप अंडर डिफाइंड रखेंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, लिमिटेड छोटे स्केचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो यहाँ पे मेरे पास ये स्केच कंप्लीट हो चुके हैं। स्केच करेंगे, फीचर में चले जाएंगे, एक्सट्रूड करेंगे, और सबसे पहले मेरे पास ये एरिया आ जाएगा। इसको कितना एक्सट्रूड करना है, 10 mm एक्सट्रूड करना है अंदर वाली साइड। ठीक है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे हम। ये देखिए डायरेक्शन चेंज होगी, 10 mm ही आ रहा है डिफॉल्ट, सो मैं इसे डिफॉल्ट रख लेता हूँ। ओके, देन अगेन ड्रॉप डाउन करेंगे, स्केच करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, कितना आ रहा है मेरे पास, ये वाला स्केच आ रहा है। तो अब इसकी वैल्यू किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखिए मेरे पास 10 mm से एक्स्ट्रा जा रहा है, दोनों तरफ इक्वल डिवाइड है। अब इसमें वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए मेरे पास डिस्टेंस दे रखा है 64 और एक 96 दे रखे है। 96 माइनस 64 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके, 32 को हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। इट मीन्स ये 16 16 डिवाइड है। 16 यहाँ पे डिवाइड है, 16 यहाँ पे डिवाइड है। तो इसको मैं 16 mm एक्सट्रूड कर लूंगा इस तरह से। बट आप देखिए ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, इक्वल डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो एक साइड से ज्यादा मूव कर रहा है बाहर को। मुझे दोनों तरफ इक्वल डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नई चीज आपके लिए, फ्रोम की ऑप्शन आ रही है आपके पास। फ्रोम में मतलब कहाँ से आपको एक्सट्रूड करना है। तो देखिए आपके पास स्केच प्लेन आ रहा है, सरफेस आ रहा है, वर्टेक्स आ रहा है, ऑफसेट आ रहा है। इन तीनों ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं और लास्ट ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं ऑफसेट की, जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पे ऑफसेट की ऑप्शन किस तरह से यूज होगी आपके पास, मैंने यहाँ पे 16 mm वैल्यू दे रखी है इसको एक्सट्रूड होने के लिए, और जो मैंने पहला एक्सट्रूड किया था वो कितना है, 10 mm। इट मीन्स मेरा ये 6 mm एक्स्ट्रा जा रहा है। मैं इसे ऑफसेट दे सकता हूँ 3 mm के लिए, 3 mm दोनों तरफ इक्वल डिवाइड हो जाएगा। देखिए मैंने 3 mm इसको एक्सट्रूड किया, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए इस साइड डायरेक्शन देंगे तो इस साइड इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको उस साइड चाहिए तो आप उस साइड ही रखिए। ठीक है, डिफॉल्ट उसने उसी साइड पिक की है। जैसे मैं इसे ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा ये इक्वल डिवाइड हो चुका है। इसे मैं यहाँ से नॉर्मल भी करके देख लेता हूँ, ये देखिए दोनों तरफ इक्वल डिवाइड हो गया। तो ये जो ऑफसेट की मैंने आपको ऑप्शन बताई है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, आप एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट में इसे यूज कर सकते हैं मैक्सिमम टाइम। देन इसके बाद हमारे पास क्या, अभी मिरर। इसका मैं शेड चेंज कर लेता हूँ, बैक टू द सॉलिड आ जाते हैं। मेरे पास यहाँ पे अब ये वाला जो पोर्शन है मुझे, जो मैंने एक्सट्रूड किया है, मिरर करना है। मिरर किस तरह से करेंगे, देखिए हमारे पास मिरर के लिए प्लेन चाहिए। जैसे मैं मिरर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मिरर फेस और प्लेन, यहाँ तो फेस हो यहाँ तो प्लेन हो। तो मिरर किसके अकॉर्डिंग होगा, यहाँ तो मेरा सेंटर पे प्लेन होना चाहिए। अब प्लेन कौन कौन से हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग प्लेन है उनको पहले चेक कर लेते हैं। मेरे पास सबसे पहले प्लेन आ रहा है ये वाला, ये तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये वाला ये भी नहीं है, और राइट प्लेन, देखिए राइट प्लेन मेरा बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। मैं मिरर इसके अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। जैसे मैंने राइट प्लेन सिलेक्ट किया, इसने प्लेन को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे पूछ रहे फीचर्स। फीचर सिलेक्ट करने के यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और देखिए यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ से भी रिजल्ट आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं तो इसे डिलीट कर दीजिए, मिरर सिलेक्ट कीजिए। आप अगर हिस्ट्री को ड्रॉप डाउन करेंगे तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। देखिए राइट प्लेन हमारे पास सेंटर पे आ रहा था, तो राइट प्लेन सिलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद हमारे पास ये एक्सट्रूड था और एक ये वाला पोर्शन एक्सट्रूड था, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए
और इस तरह से भी आप मिरर कर सकते हैं। तो सिलेक्शन आपकी, आप डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ड्रॉप डाउन यहाँ से ट्री से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। ओके, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टू होल्स भी हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों होल्स किस तरह से है, हमारे पास 126 का डिस्टेंस दे रखा है और यहाँ से 23 का डिस्टेंस दे रखा है। ये वाली प्लेट में सिलेक्ट कर लूंगा, ये वाला फेस सिलेक्ट किया और इसमें मैंने स्केच कर दिया ऑन। सो यहाँ पे मैं एक रफ सा स्केच लगा लेता हूँ और उसको मैं डिफाइन कर दूंगा। सो डिफाइन किस तरह से करना है, देखिए ये वाली जो प्लेट आ रही है यहाँ से लेकर इसके इस फेस से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 23, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखे 126। सो इसको इस तरह से हम यूज करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 23, और इसका रेडियस मेरे पास कितना आ रहा है, 10 mm। सो ऐसे 10 mm सिलेक्ट कर लूंगा। देन इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कल और लगाना है और इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे हम रिलेशन ऐड कर देंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है अभी हमारे पास, 126 आ रहा है। सो 126 पिक कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं अभी ये अलाइन नहीं है, ये मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है और ये मेरा इस साइड आ रहा है, तो दोनों सेंटर पे नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर लाइन लेनी पड़ेगी दोनों को सेंटर करने के लिए। तो मैंने एक सेंटर लिया, कंट्रोल प्रेस करेंगे और साथ में दोनों को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड मुझे सेंटर लाइन सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे रिलेशन ऐड में क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक जैसे ही आप करोगे दोनों सेंटर पे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो अभी भी मेरा स्केच जो है फुली डिफाइंड जा रहा है। ओके कर देंगे इसे और इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक्सट्रूड कट ये ऑटोमेटिक जा रहा है मेरे पास, तो मुझे दिक्कत नहीं आ रही है। अगर इस तरह से आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहा है तो आप इसे थ्रू ऑल भी कर सकते हैं और वैल्यू देके भी ब्लाइंड में भी एक्सट्रूड कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ये जो डिजाइन है ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें आप अलग अलग इसकी शेड्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए वायर फ्रेम में भी आप इसे चेक करना चाहते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, काफी कुछ आपने देखा होगा इसमें, काफी कुछ सीखा होगा कि किस तरह से हम सेम ही स्केच के साथ अलग अलग उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। और एक नई ऑप्शन बताई है आपको, ऑफसेट की। सो ऑफसेट जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है जब भी आप डिजाइन करते हैं, तो स्केच को आप ऑफसेट करके उसे एक्सट्रूड कर सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो हमारी यहीं पे ओवर होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।